बेकाबू कार ने मारी टक्कर, पति पत्नी बेटा व पोता हुआ घायल। राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे 8 पर स्थित बरार गांव में बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी और बेटा व पोता गंभीर घायल हो गया। यह हादसा भीम के बरार कस्बे में हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर, और दुर्घटना का वीडियो दुकान पर लगा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया और जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। हादसे के बाद भीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल भीम अस्पताल पहुंचाया, जहां चारों का इलाज जारी है। भीम थाने के उपनिरीक्षक हेमंत चौहान ने बताया कि टोगी ग्राम पंचायत के अंतर्गत टिबाणा काबरा का बाड़िया निवासी त्रिलोक सिंह पुत्र धन्ना सिंह 62 वर्ष और उनकी पत्नी 58 वर्षीय गुलाबी देवी, उनका बेटा रणजीत सिंह 31 वर्ष और उनका पौत्र लोकेश 9 साल का, ये चारों ही लोग देवगढ़ की तरफ से भीम जा रहे थे और उसी दौरान बरार गांव के पास जैसे ही पहुंचे, अस्पताल के सामने जो कट है वहां पर जैसे ही इनकी मोटरसाइकिल पहुंची, उन्होंने थोड़ी सी बाइक को स्लो कर दिया और इसी दौरान देवगढ़ की तरफ से पीछे से जो तेज़ रफ्तार में कार आ रही थी उस कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। इससे चारों ही लोग बाइक से उछल कर धड़ाम से हाईवे पर गिर पड़े। दुर्घटना में चारों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वृद्धा के सिर व चेहरे पर गंभीर चोट हैं तो वृद्ध त्रिलोक सिंह के पैर में गंभीर चोट लगी हैं। इसके अलावा पिता पुत्र जो रणजीत और उनके पुत्र लोकेश के भी गहरी चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए, लोगों ने उन्हें चारों लोगों को संभाला, रोड के किनारे लाए और उसके बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन करीब आधे घंटे बाद भी 108 एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इस पर क्षेत्रीय लोग आक्रोशित हो गए और बाद में निजी वाहनों से चारों ही लोगों को भीम चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ पर भीम स्थित उप जिला चिकित्सालय में चारों का इलाज जारी है। हादसे के बाद भीम थाना पुलिस ने दुर्घटना का प्रकरण दर्ज करते हुए सभी पहलुओं पर गहन जांच शुरू कर दी है। इधर चारों ही लोग भीम अस्पताल में उपचाररत हैं। इधर बरार कस्बे में जहां दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना में फोरलेन पर बने कट को लेकर भी लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि जो भीम में अस्पताल के सामने जो कट हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, कई हादसे हो चुके हैं, ऐसे में इस कट को बंद किया जाना आवश्यक है। दुर्घटना के बाद एक बार मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हादसे के में मोटरसाइकिल भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं तो कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना के बाद कार सवार वहां से भाग गए। कार हालांकि मौके पर हैं, पुलिस ने दुर्घटना का प्रकरण दर्ज कर लिया है और ग्रामीणों की बात को भी पुलिस ने सुना और समझाइश की। हादसे का लाइव वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया और वह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है।